नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। प्रेस फ्रीडम रैंकिंग्स में इंडिया का स्थान 142 पहुंच गया है और ये पिछले कई सालों से लगातार गिर रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं परंजॉय गुहा ठाकुर। था परंजॉय, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रांजल। परंजॉय, शुरू करते हैं इस बात से कि 142वां स्थान है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, और जो भारत के मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ट्वीट किया कि ये सब एक प्रोपेगेंडा टाइप का है और उसका जवाब मिलेगा। तो इस पूरे पूरे सिनेरियो को आप किस तरीके से देखते हैं? ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है RSF, रिपोर्टर्स सांस फ्रॉन्टियर्स, यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जो जो पत्रकार है उसका कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं है, इन लोग काफी साल से एक समीक्षा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं लगातार भारतवर्ष का जो भी पोजीशन है वो गिर रहा है। और अगर पूरा 10 साल आप देखिए ना, 20 अंक गिर गया। और हर साल पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं कि हर साल एक दो अंक हम नीचे गिर रहे। तो अगर प्रेस फ्रीडम या मीडिया का जो स्वाधीनता के बात आप करेंगे, आज भारतवर्ष एक जगह में पहुंच गया जो हम भूटान, नेपाल, श्रीलंका का नीचे है। ये कहते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये सूचकांक ये दो 2020 के लिए है, मगर इसका जो जो आंकड़ा है ये पिछले साल का है, यानी कि 2019 का है। तो हमारे माननीय जो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने कहा कि एक तरह से कोई षड्यंत्र है और वो जांच करेंगे और एक्सपोज करेंगे क्यों ऐसे जो विदेश से आ रहे, जो समीक्षा कर रहे, भारतवर्ष का छवि खराब कर रहे हैं। और उनका कहना है कि भारतवर्ष में जो पत्रकार है, जो मीडिया है, एब्सोल्यूट फ्रीडम, पूरा उनका स्वाधीनता है, जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं। असलियत तो और कुछ है प्रांचल। यही आंकड़ा आप देखिए, ये जो रिपोर्ट में आए हैं वो कह रहे हैं कि हाँ, स्थिति इतना खराब नहीं है। 2018 में 6 पत्रकार का हत्या किया गया था, दे वर मर्डर्ड। 2019 में एक को भी नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे 2014 और 2019 तक, ये 5 साल में लगभग 200 पत्रकार के ऊपर कुछ ना कुछ कोई आक्रमण किया, कोई अटैक हुई थी। ये पुलिस के हो सकता है, कोई अपराधी के जो गैंग है, माफिया गैंग हो सकता है, ऐसे लोग होता है जिसके पास राजनीतिक पहुंच है या सरकारी कोई भ्रष्ट सरकारी ऑफिसर है, तो इनके पीछे हम ऐसे देख रहे हैं। और जावड़ेकर जी कुछ भी कहिए, मैं मानता हूं कि आज भारतवर्ष में जो मीडिया का जो फ्रीडम, प्रेस का जो फ्रीडम, बहुत कम हो गया। एक तरह से हम लोग आपातकालीन समय के उस समय में वापस चले गए। इंदिरा गांधी 75 और 77 के बीच, 19 महीना, जून 75 से जनवरी 77, बहुत सारे पत्रकार को जेल के अंदर डाल दिया, अखबार को सेंसर कर दिया। उन बाद में जब उनसे सवाल उठाया जा कि आपसे सबसे बड़ा गलत क्या था, आपने क्या गलती किया था आपातकालीन समय में, उन्होंने कहा प्रेस सेंसरशिप। लग रहा है कि हमारे आज का जो जो सरकार है वो इंदिरा गांधी से एक तरह से वो उसे चालाक है। हाँ, उत्तर प्रदेश में छोटे छोटे जगह में पत्रकार को जेल के अंदर डाल दिया, छोटे छोटे पत्रकार, कोई छोटे मीडिया हाउस के साथ है, कोई वेबसाइट के साथ है, जो बड़े बड़े जैसे कुलदीप नायर जैसे व्यक्ति को जेल के अंदर नहीं डाला, मगर जिस तरह से नियंत्रण कर रहे हैं, क्योंकि विज्ञापन किसको मिले किसको नहीं मिलेगा। और हमारे जो भूतपूर्व जो सूचना और प्रसारण मंत्री थे, जो लाल किशन अडवाणी जी, इनका उम्र आज 92 है, 92 है, उन्होंने उस समय एक बार सवाल उठाया था मोरारजी देसाई का सरकार में, उनसे वो जब सूचना और प्रसारण मंत्री थे, उनसे सवाल उठाया था कि कितने इतने सारे मीडिया के संस्था क्यों, इंदिरा गांधी जो भी कहा मान लिया, कोई विरोध नहीं किया, कोई मतभेद नहीं था उनका। तो उनका अंग्रेजी में उन्होंने कहा था, व्हेन दे वर आस्क्ड टू बेंड दे क्रॉल्ड, उनको सिर्फ कहा था आप सिर झुकाइए, मगर वो जमीन में लेट गए थे।
आज दुख की बात है कि आज बड़े बड़े मीडिया संस्था के मालिक, बड़े बड़े संपादक, बड़े बड़े पत्रकार उसको सिर झुकाने के लिए भी किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर वो जमीन में ले लिया। परंतु यहाँ पे दो बातें उठती हैं, आपने जो इमरजेंसी की बात की वो तो एक तरफ है ही है, जो मीडिया का ओनरशिप है वो किनके हाथों में, ये एक बड़ा सवाल है, और वो जो इस मीडिया को ओन कर रहे हैं, जिनके पास इस मीडिया का ओनरशिप है, वो पॉलिटिकल कनेक्शंस उनके क्या है सत्तारूढ़ पार्टी से, वो भी एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ पे। आज भारतवर्ष के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी जी, वो भी एक बड़ा मीडिया संस्था का मालिक है। और जितने बड़े बड़े मीडिया संस्था आप देखिए, जो अखबार है, टीवी चैनल है, इनका आज जो सत्ते में है भारतीय जनता पार्टी के साथ एक संपर्क आप देख सकते हैं। देखिए, पूरा विश्व में ये इंटरनेट के युग में हम देखा किस तरह से लोग पैसे जो जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं, उनके लिए पैसे देने नहीं चाहते, मुफ्त में चाहते हैं। एक कारण है आज सोशल मीडिया इतने आगे पहुंच गए, और सोशल मीडिया में झूठा खबर भी झूठा खबर का वितरण भी बढ़ गया। साथ साथ विज्ञापन दाता जिस रफ्तार से विज्ञापन, ये जो हमारे मुख्य धारा में जो मीडिया है वो कम कर दिया, या जहां था वहीं पे है। और भारतवर्ष में भी यही हम देख रहे हैं, और ये कोविड का ये जो संकट के बाद हम देख रहे हैं, और भी ये संकट बढ़ गया। विज्ञापन लोग देने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये बड़े बड़े मुख्य धारा में जो अखबार के जो संस्था है, टीवी का जो संस्था है, इन लोग सरकारी विज्ञापन के ऊपर ज्यादा निर्भर कर रहे हैं, तो इसीलिए वो दिन रात सरकार का गुणगान कर रहे हैं। अब देखिए, आज भारतवर्ष के मीडिया का बहुत एक छोटा हिस्सा जो सचमुच पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सत्य में है, उनसे सवाल उठाने के लिए उनका हिम्मत है, जो सच है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आपका गृह सचिव सबसे उच्च न्यायालय में कह रहे हैं कि एक भी प्रवासी मजदूर सड़क पे नहीं है, असलियत और कुछ है, और कुछ रिपोर्टर जाके तस्वीर खींच के बताना पड़ रहा है। यही आज दुख का बात है कि पत्रकारिता, हमारे जो पत्रकार है वो भूल गया। तो जावड़ेकर कह रहे थे आपके पास एकदम स्वाधीनता है, कुछ भी कह सकते हैं, मगर आप देखिए, हमारा प्रधानमंत्री, भारतवर्ष का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एक बार भी मीडिया कॉन्फ्रेंस नहीं किया जहां पे वो सबको बुलाया, और ये भी नहीं बोला कि हमें ये सवाल नहीं उठा सकते ये सवाल। अभी तक जितने उन्होंने इंटरव्यू दिया है, जितने साक्षात्कार दिया, सब ऐसे लोगों को दिया जो उनके ऐसे कठिन सवाल नहीं उठाएंगे। तो इस तरह से मीडिया फ्रीडम के ऊपर जो पाबंदी लग गया, ये अलग तरीका का पाबंदी जो हम आपातकालीन समय में नहीं देखा था। परंतु आपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, माइग्रेंट वर्कर्स की बात की, पर हमें ये भी याद रखना होगा कि इसी कोविड के दौर में सरकार सुप्रीम कोर्ट यह भी कहते हुए गई थी कि मीडिया क्या रिपोर्ट कर रही है, क्या कर रही है, उस पर भी किसी तरीके के डायरेक्शंस होने चाहिए। ये हमारा गृह सचिव, गृह मंत्रालय ने माना था, सुप्रीम कोर्ट माना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि सरकार जो भी कह रहे उसका भी रिपोर्ट आप कीजिए। सवाल और कुछ है, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, समझ लीजिए आपका एक रिपोर्ट, आपका डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारे पास पीपीई पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं है, आप सरकार से सवाल उठाए, सरकार जवाब नहीं देगी, तो आप क्या मुंह बंद करके चुप रहेंगे? तो सरकार भी किस तरह से देखिए जवाब दे रहे हैं। हमारे मोदी जी तो ठीक है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस है? लव अग्रवाल जो हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और क्या सवाल क्या उठ रहे कि आपने जो 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 प्रवासी मजदूर को रेल भाड़ा देना पड़ेगा कि नहीं, इसका जवाब भी वो ही दे रहे, वो स्वास्थ्य मंत्रालय में है मगर ये भी जवाब दे रहे। उनका कहना है कि नहीं, 85% सब्सिडी है, 85% एक अनुदान है, ये क्या लव अग्रवाल का काम है? यही मैं यही सवाल मैं पूछ रहा हूं कि किस तरह से कोशिश में है सरकार, हर बार कोशिश की है कि आप ऐसे खबर मत छपिए जो सरकार को कुछ ही तरह से सरकार का टिप्पणी, सरकार का आलोचना जो भी सत्य में है। तो सचमुच हम क्या अपने आप को क्या लोकतंत्र समझते हैं जहां पे
मीडिया एक पब्लिक रिलेशंस कंपनी की तरह काम कर रहे, एक विज्ञापन एजेंसी की तरह काम कर रहे, अपना अपना जो उनका जो काम है, आज पत्रकार का क्या काम है, जो भी सत्य में है उनसे सवाल उठाइए, कठिन सवाल उठाइए। यही काम आज दुख की बात है, हमारे देश में बहुत सारे पत्रकार ये काम आज नहीं कर रहे, और सरकार का दबाव इतना आ गया, बहुत सारे कानून का दुरुपयोग हो रहा है, पुलिस का डंडा है, मानहानि का धमकी है, ये सब लेके मीडिया एकदम एक बहुत बुरा हिस्सा हमारा आज मीडिया का मुंह बंद हो गया। परंतु इस रिपोर्ट पे हम वापस आते हैं कि भारत की रैंकिंग जो है वो 142 पे किस क्यों पहुंची, क्योंकि आपने कहा ये डेटा जो है वो 2019 का है, तो किन्हीं कुछ सर्वेस किए होंगे, किस चीजों को देख के इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भारत में जो प्रेस फ्रीडम का स्तर है वो इस समय यहाँ पे? तो एक तरह से समीक्षा करते हैं इन लोग अलग अलग लोगों से बात करते हैं, एक तरह से गोपन तरह से लोगों का राय लेते हैं कि आप सचमुच मानते हैं कि ये हुआ या ये स्वाधीनता बढ़ा या नहीं, और सचमुच जो भी आंकड़ा है, जो भी सूचना है, ये भी आप लेके एक तरह से आप मिलके आप इसका एक समीक्षा करते हैं। देखिए न्यूज क्लिक ने हम भी छपा, पिछले कुछ सालों से एक राज्य में उत्तर प्रदेश में आप देखिए, गिन के देखिए कितने पत्रकार के ऊपर सरकार ने कुछ ना कुछ कार्रवाई किया, किसी को जेल में डाल दिया, किसी का मुंह बंद करने का कोशिश किया, किसी को डराने का कोशिश किया, किसी के पीछे गुंडा लग गया और किसी के खिलाफ कोई मानहानि का कोई एक आप केस शुरू कर दिया। तो मेरा कहना ये है कि देखिए अलग अलग तरीका से ऐसा समीक्षा होता है, सिर्फ ऐसा नहीं कि लोगों का क्या मत है, आप सामने देखिए, आप अपने आप देखिए किस तरह से हमारे देश में मीडिया काम कर रहे हैं। तो मैं तो आश्चर्य हुआ कि जिस तरह से 140 से 142 से 140 हो गया, और ये भी मैं आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले साल में जो आने वाले रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का जो रिपोर्ट आएगा, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 220, भारत सरकार भारतवर्ष का जो स्थान और भी नीचे गिरेगा, और जावड़ेकर जी कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी जांच कर सकते हैं, और जो भारत का बदनाम कर रहे हैं जरूर आप जांच कीजिए, मगर आप कहिए सबका आज अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता है, जावड़ेकर जी का भी स्वतंत्रता है, तो वो भी कह रहे हैं हम एकदम स्वाधीनता से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और जो ये आखिरी सवाल होगा कि एक तरफ जहां मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग इसके बारे में बात कर रहे हैं, और जैसा कि आपने कहा कि क्या पत्रकार सही से सवाल उठा पा रहे हैं या नहीं, पर एक बड़ा प्रोसेस ऑफ कॉमनलाइजेशन ऑफ मीडिया भी हो रहा है, और स्पेशली हमें इस दौर में याद रखना पड़ेगा जब सीधे डायरेक्शंस हैं कि आप एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए अपनी कोविड रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी हमें कई मीडिया हाउसेस में ये देखने को मिल रहा है। ऐसा भी हुआ था, पुलिस का अधिकारी भी मीडिया के बोला कि ऐसा झूठा खबर आप मत फैलाइए, और फिर कुछ उसके बाद अलग बात है कि कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज भारतवर्ष में जो सांप्रदायिकता का जो विष पूरा समाज में फैलाने का एक बहुत बड़ा काम आज भारतवर्ष का मीडिया के एक अंश एक हिस्सा इन्होंने किया, और एक तरह से मैं समझता हूं आज कुछ पत्रकार अपराधी बन गए हैं। एक समय हमारे जो पत्रकार लोग थे कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति में कैसे अपराधी लोग आ गए, कैसे अपराधी लोग आज राजनेता बन गए। आज मैं समझता हूं कि कुछ मीडिया की कुछ लोग कुछ पत्रकार अपराधी बन गए, क्योंकि जिस तरह से ये सांप्रदायिकता का जो विष समाज में फैलाया और सोशल मीडिया में फैलाया, इसका इतिहास बताएंगे किस तरह से इस मीडिया लोग ये मीडिया, और हम कहेंगे कि टेलीविजन मीडिया और सोशल मीडिया का एक बहुत एक बड़ा भूमिका है कि आज मुसलमान और हिंदुओं के बीच, सारे हिंदू नहीं एक हिस्से हैं, एक सेक्शन है हिंदू के और मुसलमान के बीच जो दुराई जो बढ़ गया, एक तरह से हम
70 दशक और 75 दशक वापस चले गए। ये मीडिया का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है इसमें। शुक्रिया परंजय हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ये थे न्यूज क्लिक के लिए परंजय गुहा ठाकुर था और हम लगातार इन सभी चीजों का विश्लेषण आपके लिए आपके सामने लाते रहेंगे। न्यूज क्लिक देखते रहिए। धन्यवाद। Thank you.